नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल पटना हाई कोर्ट ने 2446 दरोगा बहाली मामले में जो फैसला दिया है, अस्थायी फैसला ही है, तो उसके बाद कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग भी परेशान हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, परेशानी है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने जो भी कहा, मैंने जो भी लिखा, वो सिर्फ और सिर्फ जो इस केस को लड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, उनकी बातों के आधार पे मैंने कहा है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा है, और इसका लिखित में जो ऑर्डर है वो कल शाम तक हो सकता है, कल 8 बजे रात के बाद हो सकता है कि वो लिखित में आए, क्या ऑर्डर एग्जैक्ट क्या वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बहाली की प्रक्रिया पे आगे रोक लगाई जाती है, माने स्टे लगा दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल बहुत बड़ा ये है कि बीपीएसएससी ने अपनी तरफ से तो बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है, अब तो वो आगे अपना भेज दिया है, डिपार्टमेंट में भेज दिया है, जहां भी भेजना होता है वहां भेज दिया है। तो बीपीएसएससी के कार्य क्षेत्र से ये बाहर की बात अब चली गई है, और कोर्ट ने, जैसा कि वकील के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीपीएसएससी इस बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो फिर बीपीएसएससी तो पहले ही बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी है, तो अब कोर्ट का आदेश लिखित में क्या वर्ड रहता है, क्या क्या वर्ड लिखा रहता है, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या उसमें लिखा है कि ज्वाइनिंग पे, ट्रेनिंग पे रोक लगाया गया है, या क्या लिखा रहता है। तो ये तो जजमेंट आएगा कल 8 बजे रात के बाद, हो सकता है संभवतः आए, तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, अभी तक तो इतना जरूर है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगा है कि इस बहाली में महाधांधली हुई है, इसी वजह से कोर्ट ने ये एक्शन लिया और स्टे ऑर्डर दिया है। अगर कोर्ट को ऐसा नहीं लगता तो फिर इस केस में कुछ होता ही नहीं, केस खारिज कर दिया जाता। लेकिन जो बात हम चीख चीख कर कहते रहे कि दरोगा बहाली में महाधांधली हुई, महाधांधली हुई, ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, ओएमआर सीट अंदर से रंगा जाता है, 25 लाख लेके दरोगा बना जाता है, वो बात सच साबित हो रही है, और कोर्ट ने भी लगभग उस पर मोहर ही लगा दिया है कि इस परीक्षा में, इस बहाली में धांधली हुई है, महाधांधली हुई है, और इसीलिए कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया है। लेकिन एग्जैक्ट क्या ऑर्डर है ये मैं फिर कह रहा हूं कि जब लिखित में आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि तो बीपीएसएससी है जो कि सरकार के द्वारा ही, सरकार के संरक्षण में ही भ्रष्टाचार कर रही है, सेटिंग वेटिंग कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएसएससी भी बहुत सारा दिमाग लगा रही होगी और लगा चुकी होगी। तो इसीलिए हम जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको भी ये सलाह देना चाहते हैं कि आप ज्यादा खुश होकर, ज्यादा उतावले में मत रहिएगा। आपको भी सतर्क रहना है कि आप जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें आपको मजबूती के साथ वहां पर उतरना पड़ेगा, जो बीपीएसएससी के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा, तो उसके समय आपके एडवोकेट को भी मजबूती के साथ बात रखना पड़ेगा। अन्यथा हम लोगों ने बहुत इस तरह का देखा है केस कोर्ट में कि लास्ट में क्या डिसीजन आया है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए उतावलापन आप लोग मत होइएगा, ज्यादा खुशी में मत आ जाइएगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मैं ये बार बार कह रहा हूं, और अपने वकील पे प्रेशर बनाए रखिए, और जो भी इस बहाली से संबंधित जितने भी धांधली के सबूत है वो अपने वो एडवोकेट को दीजिए, और जहां भी आपको जरूरत हो किसी डॉक्यूमेंट्स का आप हमसे संपर्क कीजिए, हम भी आपको हेल्प करेंगे, देंगे। हमारी लड़ाई, पहले भी हम कह चुके हैं अभी भी करें, हमारी लड़ाई किसी स्टूडेंट से नहीं है, जो सिलेक्ट हो गए उनसे हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई धांधली के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पारदर्शिता लाने के लिए है। तो जो लोग अपने मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं, देखिए बात पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग अपने मेरिट से, मेहनत से सफल हुए, ईमानदारी से सफल हुए हैं इसमें 2446 दरोगा बहाली में, तो उनसे तो हमारी कोई दुश्मनी कभी रही ही नहीं। पीटी में भी हमने कहा था कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो लोग मेरिट से पास हैं उनका हम सम्मान करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे भी, खड़े भी हैं। तो अभी भी जो मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं इस 2400 दरोगा बहाली में, जो अपनी ईमानदारी से, मेरिट से सफल हुए हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं घबराइए, क्योंकि आप अपने मेरिट से पास हुए हैं, तो आप कितना भी कुछ हो जाए तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो जो लोग मेरिट से पास हुए हैं इस दरोगा बहाली में 2446 में, तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों पे कुछ नहीं होने जा रहा है, आप लोगों का कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोगों का सिलेक्शन रद्द नहीं होगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो लोग सेटिंग से गए हैं, जो 25 लाख देके दरोगा बने हैं, उनको डर जरूर लग रहा होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनको डर जरूर लग रहा होगा।
लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से गए हैं, ईमानदारी से गए हैं, मेरिट से पास किए, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही मत डरिए, क्योंकि कल शाम से ही, जब से मैंने वीडियो डाला है, कल शाम से ही मेरे पास बहुत सारे सिलेक्ट लोगों का फोन आ रहा है जो दरोगा में सिलेक्ट हो चुके हैं, और वो लोग बहुत डिप्रेशन में लग रहे थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग मेरिट से गए हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो दिलीप कुमार आपके लिए भी खड़ा होगा, दिलीप कुमार आपके लिए लड़ेगा जहां तक लड़ना होगा। तो आपके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। हमारी लड़ाई है कि किसी भी छात्र युवा के साथ कहीं भी अन्याय ना हो, शोषण ना हो, कहीं भी नाइंसाफी नहीं हो। तो आप अपनी मेरिट से पास किए हैं, तो आपके साथ कैसे कोई नाइंसाफी कर देगा, अन्याय कर देगा? तो वहां पे दिलीप कुमार चुप रहेगा? ये हो नहीं सकता है। आपके साथ भी अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो आपके साथ हम खड़े हैं और आपके लिए लड़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरिट से पास किए, मैं बार बार मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग अपने मेरिट से पास किए, ईमानदारी से पास किए, उनके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग सेटिंग से गए हैं, 25 लाख देके गए हैं, उनको डर जरूर होगा। और हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस बहाली की, पीटी से लेके फाइनल तक का सब स्टेज का सीबीआई जांच हो, उसके बाद पता चल जाएगा कि 2446 दरोगा बहाली में कितने ऐसे लोग हैं जो सेटिंग से गए हैं, और कौन कौन नेता, कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है। तो हम तभी भी मांग कर रहे हैं, और जो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनको भी हम ये सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपने एडवोकेट से बोलिए कि इस पूरी बहाली की सीबीआई जांच की मांग करे आपका एडवोकेट। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए लड़े कि मेरा हो जाए, बस अपने से मतलब रखे, तो फिर अलग अलग लड़ते रहिएगा, तो फिर फाइनल डिसीजन क्या आएगा वो हमको पता है। तो अपना स्वार्थ छोड़िए, जो लोग भी केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, चाहे वो फिजिकल में लड़ रहे हो, मेडिकल के लिए लड़ रहे हो, या फिर मेरिट वाले लड़ रहे हो, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स वाले लड़ रहे हो, सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने एडवोकेट को बोलिए कि कोर्ट में इस बात को रखे कि संपूर्ण बहाली में गड़बड़ी हुई है, पीटी, मेंस, फिजिकल, फाइनल सब में गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस बहाली की ही सीबीआई जांच करवाई जाए। ये मांग रखे कोर्ट में, वकील रखे इस बात को, और तब देखिए इस बहाली में क्या होता है। और अगर आप सेल्फ लड़िएगा, अपने अपने लिए लड़िएगा सिर्फ कि नहीं सिर्फ मेरा हो जाए रिजल्ट, तो फिर क्या डिसीजन आएगा वो मुझे पता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि अपना निजी स्वार्थ छोड़िए, और निजी स्वार्थ छोड़ के आप पूरे बहाली प्रक्रिया को आधार बनाकर लड़िए, और देखिए आप निश्चित रूप से जीतिएगा। लेकिन आप सिर्फ अपने चीज को आधार बनाइएगा तो थोड़ी मुझे मुश्किल लग रही है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कोर्ट में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बीपीएससी में हो चाहे दरोगा बहाली में हो, हमने बहुत कुछ झेला है, इसलिए अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो इस बहाली में जो पीटी से लेकर अभी तक गड़बड़ी हुई है, उसको आधार बनाकर भी उसमें अपने एडवोकेट को बोलिए कि सीबीआई जांच की मांग करे, और जो भी आपको दस्तावेज चाहिए, जो भी प्रूफ चाहिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम देने के लिए तैयार है। पहले भी दिए हैं आप लोगों को, जो लोग कोर्ट गए हैं और मांगे थे हमसे, हमने उस समय भी दिया था, और अभी भी जो जिस चीज की जरूरत होगी हम लोग देंगे। लेकिन कोर्ट में अपने एडवोकेट को बोलिए कि सीबीआई जांच की मांग करे, जो जिस आधार पर आप केस लड़ रहे हैं वो आधार तो आप वहां बता ही रहे हैं, और उस आधार पर आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक चीज उसमें और जोड़ दे एडवोकेट कि सीबीआई जांच की मांग करे, क्योंकि हर स्तर पर इसमें गड़बड़ी हुई है। और जो लोग मेरिट से पास हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं, जो लोग अपनी मेरिट से पास हुए, अपनी मेहनत से पास हुए, ईमानदारी से पास हुए हैं, वो बिल्कुल ही नहीं घबराइए, आपके साथ गलत नहीं होगा। और कोई अगर आपके साथ गलत करेगा तो दिलीप कुमार आपके लिए भी लड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे बिल्कुल ही नहीं है, कभी रही ही नहीं है। जो मेरिट से पास कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे हमारी लड़ाई कोई है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो भ्रष्ट सिस्टम से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बीपीएसएससी से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सरकार से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है। हमारी लड़ाई है कि पारदर्शिता लाई जाए, हमारी लड़ाई है कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी हो, कोई भी हो, बीपीएससी हो, हर बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। हमारी लड़ाई है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुक परीक्षार्थियों को दिया जाए, हमारी लड़ाई है कि आंसर की जारी किया जाए, हमारी लड़ाई है कि रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। तो हमारी लड़ाई किसी छात्र से है ही नहीं, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं से है, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट सरकार से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बीपीएसएससी से है। तो आप लोग जो भी मेरिट से पास किए उनको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही मत घबराइए, डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि मेरे पास कल शाम से, रात में भी, और आज सुबह से फोन आ रहा है, और अभी तक मुझे लगता है 150 से 200 लोगों का फोन आ चुका है, और काफी डिप्रेशन में लग रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं घबराइए, जो लोग मेरिट से पास किए हैं आप लोगों पे कोई आंच नहीं आएगी, दिलीप कुमार आपके लिए खड़ा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिलीप कुमार किसी के साथ भी अन्याय होगा तो उसके लिए लड़ेगा न्याय दिलाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए और निश्चिंत रहिए, और आगे भी अगर जो लोग दरोगा
में सिलेक्ट हो चुके हैं मेरिट से, वो लोग बीपीएससी का भी तैयारी कीजिए। 23 जनवरी को बीपीएससी की परीक्षा है, पीटी परीक्षा, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए। और इधर जो होना है वो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों पे कोई आंच नहीं आएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जो लोग मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं उन पे कोई आंच नहीं आएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी अपील कर रहे हैं, जो लोग 2213 दरोगा बहाली में अपियर होने वाले हैं, आप लोग पारदर्शिता के लिए मांग कीजिए। हम चाह रहे हैं कि एक बार दिसंबर में ही, 10 दिसंबर से पहले एक बार आंदोलन हो जाए पटना में, तो आप लोग तैयार होइएगा। तो पारदर्शिता के लिए, ओएमआर सीट, कार्बन कॉपी, ये सब चीज के लिए हम लोग एक दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो, अन्यथा फिर हम नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग कह देते हैं कि दिलीप कुमार ऐसे अफवाह फैला रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आप लोग अगर कहिएगा तभी हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। लेकिन इतना